भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष अंचल जैन के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मऊसहानिया में युवा मोर्चा के जिला मंत्री अप्पू राजा सोनी के पिता देवेंद्र सोनी को बंधक बनाकर मारपीट करने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। युवा मोर्चा नेता विनय पटेरिया ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण भाजयुमो नेता अप्पू राजा सोनी और उसके परिवार पर हमला करने के बावजूद उन पर मुकदमा लगाया गया है और अप्पू सोनी के पिता को गिरफ्तार किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश है, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वास्तविकता सामने आ सके। ज्ञापन के दौरान युवा मोर्चा के तमाम सदस्य मौजूद रहे। उधर एसपी ने भरोसा दिया है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन पहले एक मऊसानिया में घटना घटी थी, पारिवारिक विवाद हुआ था जिसमें हमारे युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं अप्पू राजा सोनी, उनके और उनके पिताजी और उनके भाइयों के ऊपर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। ये पूरा मामला प्रोपोगंडा से रचा गया था, झूठा आरोप लगाया, उनके पिताजी को घर में बंधक बना के मारपीट की गई और उसके बाद ये जो दूसरा पक्ष है उनने ये दिखाया कि हमारे घर में मारपीट हुई, हमारे घर में घुस के अप्पू राजा लोगों ने मारपीट की, जबकि सच ये है कि जो वीडियो वायरल खुद उनके परिवार के लोगों ने किया उसमें अप्पू राजा सोनी के पिता को बंधक बनाए हैं और आपस में चीख पुकार कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हम लोग आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे कि ये झूठी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर अप्पू राजा के पिताजी की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर पर तलाशी ली गई है, लाइसेंस बंदूकें जब्त की गई हैं जो कि अन्याय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा ने आज यहाँ आवेदन दिया है कि अप्पू राजा सोनी के परिवार के प्रति न्याय हो और जो उनकी बंदूकें जब्त की गई हैं, जो उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, उस परिवार की नौटंकी में आकर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इस मामले में पूरी जाँच करा के निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।